नया रायपुर में स्थित राज्योत्सव मैदान में होने वाले कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए महाधिवेशन की तैयारियों की जानकारियां दी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नाम से बनाए गए फर्जी फेसबुक अकाउंट मामले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ठग के साथ भी ठगी। 24, 25, 26 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में प्रस्तावित है और उसकी तैयारी के लिए पिछले दिनों वेणु गोपाल जी, बंसल जी, कारी कन्वर जी आए थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसके हिसाब से फिर हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो टेंट लगाना है उसके भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, नारियल तोड़ के मिठाई बांट के इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे एक भव्य स्टॉल लगेगा और उसके साथ साथ करीब 13-14 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों साइड में किचन भी होगा, पत्रकार के लिए अलग से स्टॉल बन रहा है जहाँ उसकी सारी सुविधाएं होगी। साथ ही उसके सामने प्रदर्शनी लगेगी जो जिसमें कांग्रेस का जो इतिहास है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके भी स्टॉल लगेंगे और छत्तीसगढ़ की जो मिले जो हमारे सीमार्ट में जो वस्तुएं हम लोगों ने जो हमारे आदिवासी भाई बहन और जो स्व सहायता समूह मैंने जो निर्माण कर रहे हैं उसको भी विक्रय के लिए रखेंगे। ठग के साथ भी ठगी पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा उन्होंने, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा और तो और चीट फंड कंपनी मदद निवेशकों को भी ठगा। तो वो ठग महाराज को किसने ठग लिया